भगवान बुद्ध की भारत में तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति बिहार के घोड़ा कटोरा डैम पर बनकर तैयार है। ये जगह प्रदेश का पहला इको टूरिस्ट प्लेस है। हम आपको बता दें, घोड़ा कटोरा में भगवान बुद्ध की ये मूर्ति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये मूर्ति बिहार के अजूबों में से एक बन गया है और इसमें बिहार पर्यटन को काफी फायदा भी होगा। इस प्रतिमा के बन जाने से घोड़ा कटोरा डैम और भी सुंदर लगने लगा है। इस मूर्ति को जून 2016 से बनाना शुरू किया गया था और 547 दिन में ये मूर्ति काफी तेजी से बनकर तैयार है। भगवान बुद्ध के ध्यान चक्र मुद्रा में बनी ये मूर्ति घोड़ा कटोरा झील के बीचों बीच बनाई गई है। मूर्ति की कुल लंबाई 70 फुट है। पानी की सतह से इसकी ऊंचाई 38 फुट है और पानी के अंदर 20 फुट का पेडिस्टल है। इस प्रतिमा में जो कमल बना है वो 12 फुट का है। इस मूर्ति से जुड़ी कई खास बातें हैं, जैसे कि देश की तीसरी सबसे ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। इस मूर्ति की कुल लंबाई 70 फुट है। ध्यान चक्र परिवर्तन मुद्रा में बनी है यह मूर्ति। यूपी के चुनार का गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर किया गया है इस्तेमाल। 547 दिन में बनकर तैयार हुई है यह प्रतिमा। 9 करोड़ रुपए में मूर्ति हुई है बनकर तैयार। आपको बता दें कि घोड़ा कटोरा पूरी तरह से प्रदूषण रहित इलाका है। 2011 से पहले घोड़ा कटोरा झील के बारे में कोई नहीं जानता था। 2011 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस जगह का उद्घाटन किया तो बिहार टूरिज्म को नया तोहफा मिला। रोपवे की जगह से घोड़ा कटोरा झील तक जाने के लिए सिर्फ तांगा, ई रिक्शा या फिर कोई और बैटरी से चलने वाली गाड़ी का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।